वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने एसेंशियल या नॉन एनर्जी फूड कंपोनेंट के रूप में बच्चों सबसे पहले हम जो पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में बच्चों हम लोगों ने विटामिंस के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि विटामिन्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये दोनों क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो वाटर के साथ क्या करते हैं बच्चों, अर्थात ये हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करते हैं, वाटर के साथ अटैच होते हैं। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो होते हैं बच्चों ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अर्थात ये वाटर के साथ क्या होते हैं? रिपेलेंट बिहेवियर शो करते हैं, अर्थात वाटर के साथ ये हाइड्रोफोबिक बिहेवियर को शो करते हैं। ये केवल कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ ऐसे फैट्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ ये घुलते हैं। तो वो कौन है बच्चों? अर्थात फैट सॉल्युबल विटामिन के रूप में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, अर्थात वो केवल वसा में ही घुलनशील होते हैं। ठीक बच्चों, तो वो कौन से हैं बच्चों जो वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक बिहेवियर को शो करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि विटामिन जो होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों। तो विटामिन्स क्या करते हैं बच्चों? विटामिन्स हमारे लिए इम्यून बूस्टिंग का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, हमारे जितने भी इम्यून सेल्स हैं बच्चों उनको क्या करते हैं? स्वस्थ बनाते हैं, जिससे हमारे अंदर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मेंटेन बनी रहती है। और बाहर से आने वाले जो कोई भी पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई पैथोजेंस होते हैं, उन सबको मार गिराने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर को जो बूस्टिंग प्रदान होता है, जो बूस्ट मिलता है, अर्थात इम्यून सिस्टम का जो बूस्टिंग प्रक्रिया होती है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? विटामिन्स के द्वारा होता है। तो विटामिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बूस्टिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एज वेल एज इज ऑल्सो प्रिवेंट्स एंड डिले द कैंसर कार्सिनोजेनिक एस्पेक्ट्स। अर्थात हमारे शरीर में बच्चों जो कैंसर जनरेट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो कैंसर फैलाने वाले एस्पेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको क्या करते हैं बच्चों? उनके ग्रोथ को, उनके मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को या तो वो रोक देते हैं या फिर डिले कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, डिमिनाइज कर देते हैं। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बोन्स को, हमारे टूथ को स्ट्रेंथनिंग प्रदान करते हैं, अर्थात दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो हमारी हड्डियाँ जो मजबूत होती हैं बच्चों, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन्स। हालांकि बच्चों विटामिन्स जो होते हैं वो हमको एनर्जी नहीं देते हैं, फिर भी हमारे सेलुलर मैकेनिज्म के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इनकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने बात कर लिया था, विटामिन्स के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज आइए बच्चों विटामिन्स के विषय में एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो आप उसको रिमार्क कर लीजिए। विटामिन ई जो होता है बच्चों वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे शरीर में वाटर का जो क्वांटिटी है, वाटर का जो मात्रा है, वो रिटेंस बना रहे, हमारे शरीर से ज़्यादा वाटर डिहाइड्रेट ना हो, ज़्यादा वाटर बाहर ना निकले, इसको रोकने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो एंटीऑक्सीडेंट कही जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट की जो कैपेसिटी है, एंटीऑक्सीडेंट की जो क्षमता है, वो किस में पाई जाती है बच्चों? विटामिन ई में। अर्थात विटामिन ई के जो स्रोत हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं, फूड के कंपोनेंट, अगर उसको हम लेते हैं तो हमारा जो वाटर लेवल है वो हर समय मेंटेन बना रहेगा। तो वाटर बैलेंसिंग की प्रक्रिया कौन करता है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ई करता है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने यह भी जान लिया था कि विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। हमारे शरीर में अगर हेमरेज हो रहा है, ब्लड क्लॉट ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको ब्लड क्लॉट करने की प्रक्रिया कौन करता है बच्चों? विटामिन के। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है। तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में कौन सहायता प्रदान करता है, कौन सहायक होता है? विटामिन के। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बच्चों हमारे लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स के, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में उपयोगी होता है। इन सबको बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आ जाइए बच्चों हम समय ज्यादा ना करते हुए सीधे हम बात करेंगे मिनरल्स के लिए।
ठीक बात, अर्थात ये दूसरा जो होता है माइक्रो एलिमेंट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है। तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन है बच्चों? मिनरल्स। आ जाइए हम बात करते हैं मिनरल्स के विषय में। मिनरल्स और द सेकंड टाइप ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द मिनरल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। मिनरल्स जो होता है ये दूसरा अर्थात फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स था, और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो कौन है? मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स आर द सेकंड टाइप ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों उसने मिनरल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया है, मेजर और ट्रेस मिनरल्स के रूप में। कौन कौन बच्चों? मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स के रूप में इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। द बॉडी नीड्स अ बैलेंस मिनरल्स फ्रॉम बोथ ग्रुप्स ऑफ द ऑप्टिमल हेल्थ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। हम अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर में इन दोनों ग्रुप से एक बैलेंस मिनरल्स की आवश्यकता होती है। एक बिनर बैलेंस मिनरल्स का जो डाइट है बच्चों वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इन दोनों ग्रुप से, मेजर एज वेल एज द ट्रेस मिनरल्स, दोनों से हमारे शरीर को इनकी एक ऑप्टिमल क्वांटिटी चाहिए, एक जो मिनिमम एक ऑप्टिमम मात्रा चाहिए वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, वो हमको चाहिए ही चाहिए। आइए बच्चों हम बात करते हैं कि मेजर एलिमेंट्स के रूप में, मेजर मिनरल्स के रूप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो मेजर मिनरल्स के रूप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों? आ जाइए बात करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड्स। ये जितने हैं बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड्स, ये सब मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ये क्या है बच्चों? मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स कहे जाते हैं, विच हेल्प द बॉडी टू डू द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। अच्छा, तो ये जो हैं मेजर एलिमेंट्स हैं बच्चों, मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्यों उपयोगी हैं। अर्थात मेजर मिनरल्स के रूप में जो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, ये क्या करते हैं? आइए बात करते हैं, बैलेंस द वाटर लेवल। अर्थात ये जो मेजर मिनरल्स हैं बच्चों, ये हमारे शरीर में वाटर लेवल को बैलेंस करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में वाटर की जो क्वांटिटी है वो सफिशियंट बनी रहे, जिससे हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारे सेलुलर मैकेनिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत अच्छे से चलते रहें, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल प्रॉपरली फंक्शनिंग करें, इसके लिए वाटर का बहुत आवश्यकता होता है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। इसलिए बच्चों क्योंकि वाटर ही एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत बढ़िया डाइल्यूट मीडियम देता है, जिससे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सभी सिस्टम क्या करते हैं? सुचारू रूप से काम करते हैं। और सब सिस्टम्स को काम कराने के लिए जो सबसे बढ़िया माध्यम है, जो सबसे बढ़िया कैरियर है, सबसे बढ़िया व्हीकल है, वो कौन है बच्चों? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में ही सभी एसेंशियल एलिमेंट्स, सभी एसेंशियल सब्सटेंस क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। बिकॉज वाटर इज द यूनिक सॉल्वेंट, ये वाटर जो होता है यूनिक सॉल्वेंट होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे शरीर में वाटर को जो बैलेंस बनाता है, वाटर के क्वांटिटी को जो मेंटेन बनाता है, वो कौन है बच्चों? ये मेजर मिनरल्स जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड्स। दूसरा है बच्चों, मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। हमारे शरीर में स्किन्स को, हेयर्स को और नेल्स को हेल्दी बनाने का काम जो करते हैं वो ये मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स करते हैं। अगला है बच्चों, इम्प्रूव बोन लेंथ हेल्थ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्प्रूव बोन हेल्थ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हमें पिछले वीडियोज़ में कल बात किया था कि विटामिन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बोन और टीथ को हेल्दी बनाने के लिए। इसी प्रकार से मिनरल भी क्या करते हैं? हमारे बोन को हेल्दी बनाते हैं, अर्थात उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। आइए बच्चों, अगर हम ट्रेस एलिमेंट की बात करें कि कौन कौन से ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट्स हैं, तो वो कौन है बच्चों? आयरन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड्स, मोलिब्डेनम, ये सब जितने हैं बच्चों ये ट्रेस मिनरल एलिमेंट हैं। अर्थात इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, लेकिन एसेंशियल ज़रूर है, इनकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, इनकी उपस्थिति हमारे शरीर में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे इनकी सूक्ष्म मात्रा ही क्यों ना हो। तो आइए बच्चों, अगर हम देखें ट्रेस एलिमेंट में कौन कौन से, ट्रेस एलिमेंट के कौन कौन से कार्य हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे सेलुलर मैकेनिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस हैं जो ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स हैं, तो आइए बच्चों बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग द बोन, जैसा कि अभी अभी आप पढ़े थे मेजर मिनरल एलिमेंट का जो काम है, तो वो क्या करते हैं? हमारे बोन को हेल्दी बनाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? स्ट्रेंथनिंग बोन्स हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं।
प्रिवेंटिंग टूथ डीके, अर्थात हमारे शरीर में जो हमारे दांत होते हैं बच्चों, हमारे टीथ होते हैं, उनको क्या करते हैं, टूटने से बचाते हैं, उनको क्षति क्षय होने से बचाते हैं, अर्थात हमारे टूथ को भी मजबूती देते हैं। एडिंग द ब्लड क्लॉटिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में इनका एक अहम रोल होता है, अर्थात ये अपना अहम रोल निभाते हैं किसमें बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन में इनका बहुत अहम रोल होता है। हेल्पिंग द कैरियर कैरी ऑक्सीजन, हेल्पिंग टू कैरी ऑक्सीजन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में ले जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि जो आयरन होता है, ठीक बच्चों, आयरन जो होता है वो क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, अर्थात हमारे हीमोग्लोबिन को साथ ही साथ ऑक्सीजन को, सॉरी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो हमारे ऑक्सीजन को ले जाने का जो कैरियर के रूप में काम करेगा बच्चों वो कौन है, वो आयरन है। तो आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ द ऑक्सीजन इन टू द ब्लड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक बच्चों। अगला जो बच्चों सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये मिनरल्स होते हैं बच्चों ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, डेवलप कराते हैं, अर्थात इनको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मिनरल्स का बहुत उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं अपना सहायता देते हैं। सपोर्टिंग हेल्थी ब्लड प्रेशर, अर्थात हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चों उसको क्या करते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं और उसको हेल्दी रखते हैं, ये भी काम मिनरल्स का होता है। तो मिनरल बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, हमारे ब्लड जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में भी इनका बहुत अहम रोल होता है, हमारे दांत को टूटने से बचाते हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हमारे बोन्स को भी मजबूती प्रदान करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मेन फंक्शंस ऑफ द ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट, ठीक बच्चों। आइए बच्चों हम चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि इनके विषय में कुछ और सारी जानकारियाँ हम बात करते हैं इनके चार्ट से। जो कैल्शियम होता है बच्चों, कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का मेजर मिनरल एलिमेंट है, तो ये इसका क्या मेजर रोल है बच्चों, बोन एंड टूथ फॉर्मेशन, मसल्स एंड नर्व फंक्शन, ये क्या करता है, बोन और टूथ का फॉर्मेशन कराता है, मसल्स और नर्व को प्रॉपरली फंक्शनिंग कराने के लिए भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है बच्चों, अर्थात हमारी जो मांसपेशियाँ, हमारी जो तंत्रिकाएँ हैं बच्चों, ये प्रॉपरली फंक्शन किसके वजह से करती हैं बच्चों, अर्थात जो मेजर मिनरल एलिमेंट के रूप में जो कैल्शियम पाया जाता है वो इसको क्या करता है, हमारे मसल्स को, क्योंकि बच्चों हमारे जो मसल्स जो फंक्शनिंग करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी पड़ जाए बच्चों तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, टिटैनी हो जाएंगी, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, एट्रॉफी होने लगता है, ठीक बच्चों। तो ये सब जो होता है हमारी मांसपेशियां और हमारी तंत्रिका जो प्रॉपरली फंक्शंस करती हैं वो किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एज अ मेजर मिनरल एलिमेंट, ठीक, मेजर मिनरल एलिमेंट के रूप में जो कैल्शियम पाया जाता है बच्चों वो हमारे मसल्स को, हमारे नर्व्स को प्रॉपर फंक्शन कराता है और बोन और टीथ को क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग मजबूती प्रदान करता है, उनका फॉर्मेशन भी कराता है। तो ये किस में पाया जाता है, अगर बच्चों हम बात कर रहे हैं मेजर सोर्स नेचुरल सोर्स के विषय में, तो कौन कौन से नेचुरल सोर्स हैं जो मिनरल्स इस कैल्शियम उनमें पाया जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट, लीफी ग्रेन्स एंड ड्राई बीन्स, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सच एज द मिल्क, कर्ड, बटर एंड चीज़, इन सब में क्या होता है बच्चों, ये कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक बच्चों, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, इन सब में कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं बच्चों, उनमें मिनरल्स के रूप में कैल्शियम की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है। ड्राई बीन्स, जो फलियाँ होती हैं, शुष्क फलियाँ होती हैं, उनमें भी कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। आइए बच्चों दूसरा जो आयरन है बच्चों, आयरन क्या है, एक प्रकार का ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है, ट्रेस मिनरल एलिमेंट है। आइए बच्चों देखते हैं इसका क्या मेजर रोल है, यूज टू मेक द हीमोग्लोबिन एज वेल एज द मायोग्लोबिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराता है। मायोग्लोबिन क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द मसल्स, जब मांसपेशियम जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक बच्चों। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन उपयोगी होता है बच्चों, अच्छा उसमें जो उपयोगी होता है वो आयरन होता है, ठीक बच्चों। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन कराता है, आयरन कराता है। आइए इनके अगर हम नेचुरल सोर्स को देखें, कौन कौन से नेचुरल सोर्स हैं, तो रेड मीट, एग्स, अंडे, नट्स और होल ग्रेन, सभी प्रकार के अनाज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, ये सब इनके बहुत अच्छे सोर्स हैं। आइए बच्चों अगर हम जिंक की बात करें, जिंक भी एक प्रकार का ट्रेस मिनरल एलिमेंट है,
अर्थात अगर हम इसके विषय में बात करें बच्चों, तो इसका क्या मेजर रोल है। कंपोनेंट ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर फॉर ग्रोथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये बहुत सारे एंजाइम, कुछ एंजाइम्स के लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं बच्चों जिनके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम कौन करता है बच्चों, जिंक काम करता है रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। और ये हमारे शरीर में हमारे जो ग्रोथ होती है टिश्यूज को, सेल्स को ग्रोथ कराने में इनका बहुत अहम रोल होता है। आइए बच्चों, अगर हम इनके नेचुरल सोर्स को जाने, कौन कौन से नेचुरल सोर्स हैं, तो मीट, मांस, होल ग्रेन, सभी प्रकार के ग्रेन्स, अनाज, नट्स और लेग्यूम्स, जो दलहन होते हैं बच्चों, ये सब इनके जो है बहुत अच्छे बेस्ट सोर्स हैं। आइए बच्चों, अगर हम फास्फोरस बात करें, फास्फोरस क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का मेजर मिनरल एलिमेंट है। तो इसका क्या रोल है बच्चों, बोन टूथ फॉर्मेशन, ये बोन और दांत का फॉर्मेशन कराता है, अर्थात हमारे बोन को और टूथ को जो स्ट्रेंथनिंग प्रदान करता है, उनका फॉर्मेशन करता है, वो कौन करता है बच्चों, फास्फोरस करता है। अर्थात हमारे शरीर में बच्चों फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की मात्रा हमारे बोन में और टूथ में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक बच्चों, पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूड, अर्थात हमारे बॉडी जो हमारे शरीर में जो फ्लूड है बच्चों, बॉडी फ्लूड के पीएच को मेंटेन करता है ये। ठीक बच्चों, और इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, वो है फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करना। हमारा जो एनिमल सेल्स का जो आउटर कवरिंग है बच्चों, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर पाई जाती है, तो फॉस्फोलिपिड का निर्माण करना ये किसका काम है बच्चों, फॉस्फोरस, क्योंकि उसमें फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप जो उपस्थित होता है बच्चों, वो क्या है, अर्थात तो उसमें फॉस्फोरस की उपस्थिति होती है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, एक प्रकार का मेम्ब्रेन है, किसका, एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है जो, वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से। तो ये फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कौन कराता है बच्चों, फॉस्फोरस। आइए इसके अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें, तो डेयरी प्रोडक्ट एंड ग्रेन, अर्थात कुल मिला के दूध, दही, मक्खन, पनीर और जितने प्रकार के ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, ये सब के किस में पाया जाए, इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, फास्फोरस पाया जाता है। आइए बच्चों, अगर हम पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम भी मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। और इसका क्या मेजर रोल होता है बच्चों, मेंटेन्स पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूड, ये भी हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूड पाई जाती है, फ्लूड के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। यूज इन एक्शन पोटेंशियल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कार्य के सामर्थ्य को बढ़ाता है, हमारे शरीर में जो कार्य करने की सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, उसको क्या करता है बच्चों, बढ़ाने का काम करता है। ठीक बच्चों, मेजर सोर्स के रूप में अगर हम देखें कि कहाँ 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 ये पाया जाता है, तो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट्स एंड मिल्क, विभिन्न प्रकार के फलों में जो ताजे फल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मीट और दूध में ये इसकी मात्रा, अर्थात पोटेशियम की प्रचुर मात्रा हमको पाई जाती है। आइए बच्चों, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम भी क्या है बच्चों, सोडियम एक प्रकार का मेजर एलिमेंट्स है, मेजर मिनरल एलिमेंट है। तो ये क्या करता है बच्चों, मेंटेन्स द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूड, ये भी हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूड होता है, उसके पीएच को मेंटेन करता है। यूज इन एक्शन पोटेंशियल, ये भी कार्य सामर्थ्य की को बढ़ाता है, अर्थात कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसका जो मेजर सोर्स है बच्चों, टेबल साल्ट एंड मीट्स, अर्थात जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट में सोडियम अधिक पाया जाता है, तो इसलिए हम आयोडिनाइज साल्ट का उपयोग करते हैं। और जो मांस होते हैं बच्चों, उनमें भी सोडियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें हम सेलेनियम का, तो सेलेनियम क्या होता है बच्चों, ट्रेस मिनरल एलिमेंट है, और ये यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, इसका जो उपयोग होता है वो इम्यून सिस्टम में होता है, अर्थात इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने में सेलेनियम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये किस में पाया जाता है बच्चों, नेट्स, स्पेशली द ब्राजील नट्स, ब्राजील नट्स में ये पाया जाता है, मेनी फ्रूट्स, बहुत सारे फलों में और वेजिटेबल्स में हमको सेलेनियम की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द मेजर एज वेल एज द ट्रेस मिनरल एलिमेंट। और आइए बच्चों, हम कुछ और बात करते हैं। अ पर्सन कैन इंश्योर दैट द कंज्यूम इनफ मिनरल्स बाई इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फूड्स इन देयर डाइट। अगर बच्चों अगर हम देखें, तो जो नीचे दिया गया कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से ज़्यादा से अगर ये कोई पर्सन इसको लेता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिनरल्स क्या होता है, इनके बॉडी के लिए मिल जाता है। सच एज रेड मीट, लिमिट देयर यूज एंड च्वाइस लीन कट्स। जो रेड मीट होता है बच्चों, जो लाल मांस अर्थात जो एनिमल्स मीट होते हैं, उसके द्वारा मिनरल्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन बच्चों उसका लीन कट्स होना चाहिए, एकदम बारीक कटी हुई मांस होनी चाहिए, जो अच्छे से पक सके, उसके द्वारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं। सी फूड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सी फूड्स जो समुद्र में पाए जाने वाले फूड्स, जैसे सी वीड्स के रूप में जो बच्चों एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है, एल्गी होता है, जिसको हम कारा कहते हैं, तो कारा क्या होता है बच्चों, सीलेचिस के रूप में जाना जाता है, एक समुद्री सलाद के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रोटीन और मिनरल्स दोनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो सी फूड्स
समुद्री जो भोजन होते हैं, चाहे वो मछलियाँ हों या उसमें जितने भी वो जो प्लांट्स होते हैं सच एज द एल्गी, वो सब क्या होते हैं बच्चों, उनमें मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला है बच्चों आयोडीनाइज टेबल साल्ट, जो हमको टेबल साल्ट जो आयोडीन युक्त जो सॉल्ट होता है बच्चों, उनमें भी क्या होता है मिनरल्स के रूप में सोडियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बट लेस देन 203 मिलीग्राम पर डे, अर्थात इनकी जो 2300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब, इससे भी कम खाना चाहिए, अर्थात ज़्यादा साल्ट नहीं होना चाहिए। जो इनका एवरेज उपभोग है, कंजम्पशन है, वो कितना होना चाहिए बच्चों, 2300 मिलीग्राम एक दिन में, इतना खाना चाहिए, इससे कम। ठीक बच्चों, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट के रूप में जो दूध है या दूध के और भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, इन सब में भी ये क्या होता है मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। नट्स एंड सीड्स, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया, नट और सीड के रूप में भी जो फलियाँ होती हैं या जो फिर सीड्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है बच्चों मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेबल्स, जो ताज़े पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं बच्चों, उनमें भी मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हमको देखने को मिलता है। लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, पोल्ट्री अर्थात मुर्गी का जो अर्थात जो चिकन होता है बच्चों, चिकन में भी क्या होता है मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फोर्टिफाइड ब्रेड एंड सीरियल्स, विभिन्न प्रकार के अनाज, ब्रेड एंड सीरियल्स, इन सब में क्या होता है बच्चों मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एग योक, जो अंडे के बीच में जो योक होता है बच्चों, जो पीला वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, योक कहते हैं, तो योक में भी मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। होल ग्रेन, सभी प्रकार के अनाज। बीन्स एंड लेग्यूम्स, जो दलहन होते हैं बच्चों, दाल में मटर, चना, तो जितने प्रकार के दलहन होते हैं उनमें भी क्या होता है मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ द मिनरल्स सच एज द मेजर एज वेल एज द ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट्स के रूप में जो हमको मिलना चाहिए हमारे शरीर के लिए, वो सब बच्चों इसमें मिल जाते हैं। तो बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द मिनरल्स। कल हम लोगों ने विटामिन्स के विषय में बात किया था, जो पहला माइक्रो एलिमेंट्स था, न्यूट्रिएंट्स था। आज दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में बच्चों हम लोगों ने मिनरल्स को जाना, और मिनरल्स को बच्चों हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके देखा, मेजर मिनरल एलिमेंट और ट्रेस मिनरल एलिमेंट के रूप में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसके इम्पॉर्टेंट रोल को पढ़ लिया और इनके नेचुरल सोर्स को भी बहुत अच्छे से जान लिया। तो कल के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे जो चौथा जो इम्पोर्टेंट इनका जो फूड प्रोडक्ट के रूप में है, फूड मटेरियल के रूप में है, वो क्या है बच्चों, डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स के विषय में बच्चों हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज बच्चों हम केवल इसी पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये वीडियोज़ आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोज़ ये समझ में आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने यार दोस्त को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी उनकी भी तैयारी, जो नीट, जिपमर, एम्स या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लाइक करें और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।